हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। मैं अरशद खान आज आपके साथ बीए थर्ड ईयर के ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर इसके तीसरे अध्याय के साथ आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम तीसरे अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये जो कि आपके फर्स्ट पेपर का तीसरा अध्याय है। इसकी जो पिछली वीडियोज़ हैं हमने अपलोड कर दी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज का जो चैप्टर आपका तीसरा चैप्टर है, ये कह रहा है कि यूरोप में पुनर्जागरण काल की प्रसिद्ध जो यात्राएं थी, जो यात्राएं किया गया, उन यात्राओं के बारे में बताइए, उनका क्या महत्व है और उससे भौगोलिक जो खोज हुई उन यात्राओं के द्वारा, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है इस चैप्टर में। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं वो ये है कि पुनर्जागरण काल में भौगोलिक यात्राओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए। आप देख सकते हैं 2006-2009 में दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया और 2007 में ये क्वेश्चन 150 वर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसी को घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनर्जागरण काल से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, या पुनर्जागरण काल में भूगोल के विशेष विकास की क्या व्याख्या रही है उसको कीजिए, या पुनर्जागरण में यूरोप में जो काल रहा पुनर्जागरण का वो क्या रहा, या यूरोप में पुनर्जागरण काल के भौगोलिक ज्ञान को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन सेम है जो कि इस चैप्टर पर ही आधारित है कि यूरोप में जो पुनर्जागरण का काल था उसका उस समय भौगोलिक ज्ञान क्या था, उससे भौगोलिक परिस्थितियां क्या अच्छी हुई, उसके बारे में ही हमें बात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। तो पुनर्जागरण काल यूरोप में आपको पता है 12वीं से 15वीं सदी तक का जो काल रहा उसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है, जो कि भौतिक जो भूगोल है उसके विकास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल को भूगोल का पुनर्जागरण काल कहते हैं। पुनर्जागरण काल में भूगोल का विकास निम्न सिद्धांतों को आधार मानते हुए किया गया, जिनके आधार पर इस भूत सिद्धांत इस प्रकार आधारित हैं। वो कौन से आधारभूत सिद्धांत हैं जिन पर भूगोल का विकास हुआ उसके बारे में हम जानते हैं एक एक करके। आप देख सकते हैं 3 टॉपिक्स हैं आपके पास। नंबर 1, सामान्य वैज्ञानिक प्रगति का जो नियम था उसके आधार पर भौगोलिक विकास हुआ। दूसरा, अन्वेषण जो यात्राएं हुई यात्राओं के द्वारा भौगोलिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तीसरा, पुस्तकों के लिखने से हमें भौगोलिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे पहले पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करते हैं आज हम पहले टॉपिक की, सामान्य वैज्ञानिक प्रगति का नियम क्या था। तो लियोनार्ड तवीसी से माना जाता है कि उन्होंने जिन्होंने सर्वप्रथम यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि समुद्रों के भीतर से उठे हैं पर्वत जो है, या समुद्र के अंदर से समुद्र की भूगर्भ से निकले हुए हैं। भूगोल की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी अवधारणा कोपरनिकस ने प्रस्तुत की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पश्चिमी जगत में यह तथ्य स्थापित किया कि पृथ्वी सौरमंडल में केंद्रस्थ है और सूर्य की प्रकृति करती है। यह ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, ग्रह नहीं। तेलिसियो ने प्रत्यक्षानुभव पर आधारित व्याख्या पर बल दिया है। फ्रांसिस बेकत का योगदान भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। तो इन सारे लोगों ने मिलकर के भूगोल के ज्ञान में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया उस समय। इन्होंने किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से युक्त होकर के प्रत्यक्षानुभव द्वारा तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर बड़ा ही विशेष बल दिया है। बेकन की तरह ही गैलीलियो ने भी प्रत्यक्षानुभव एवं प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में ही अपना पक्ष दिया है। यानी कि वैज्ञानिक जो यंत्र हैं, वैज्ञानिक चीज़ों के द्वारा आधारित उस ज्ञान को जिसको कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा सके, ऐसे ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो उस क्वेश्चन मार्क को, उस तरह से विज्ञान ज्ञान को हम जो प्रत्यक्ष अनुभव कर सके, हम मतलब प्रत्यक्ष उसका अनुभव कर सके, इस ज्ञान के आधार पर जब गैलीलियो ने खोज किया या बेकन ने तरह से सिद्धांत स्थापित किए, तो इस आधार पर जो सिद्धांत स्थापित हुए उनको हम कहते हैं सामान्य वैज्ञानिक प्रगति के नियम। दूसरे टॉपिक की अगर बात करते हैं, जो अन्वेषण यात्राएं हैं वो क्या हैं। अन्वेषण यात्राओं का प्रारंभ पुर्तगाल में हुआ। आपको पता ही है कि विदेशों की यात्राएं, नए नए चीज़ों की खोजने की शुरुआत पुर्तगाल से हुआ। हमारे भारत की खोज भी वास्को डिगामा ने किया, जो कि पुर्तगाल का स्पेन का निवासी था, पुर्तगाल से उसको सपोर्ट मिला हुआ था। स्पेन और पुर्तगाल अंग्रेजी देश हैं। पुर्तगाल ने 1418 ईस्वी में राजकुमारी हेनरी ने सागरेत संस्थान की स्थापना की। इनके संरक्षण में कुल नाविक सर्वप्रथम अफ्रीका तट के निकट 3 जो द्वीप थे, कनारी, माडिचेरा और एजोस, इस द्वीप तक ये पहुँचे। और सन
1418 में राजकुमार हेनरी द्वारा भेजे गए असफल अभियान से भूमध्य रेखा के विषय में पूर्व भ्रांति की पुष्टि हुई, जो भूमध्य के प्रति पुष्टि थी कि वहां पर जाने पर जीवन समाप्त हो जाएगा, उसकी पुष्टि हुई। 1434 ईस्वी में जिलियानस बोजादोर और तमाम सारे जो नए नए द्वीपों की खोज हुई। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर इसके बाद क्या होता है कि 1434 ईस्वी में बोजादोर ने से 400 मील तक आगे बढ़ते गए ये लोग, और 1941 में पुर्तगाली नाविक मोलोतानिया तक पहुंच गए। 1444 से लेकर के 48 के बीच लगभग पुर्तगाली बड़े अफ्रीका तट के सहारे चार बड़े तथा सेनेगर नदी तक पहुंच गए। 1471 में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एलमिना में दुर्ग स्थापित किया। 1473 में बिस्वत रेखा के आगे पुर्तगाली जहाज पहुंचा। 1486 ईस्वी में बोर्थोलेमिनू डियास बिस्वत रेखा के दक्षिण पर बढ़ा और 1492 ईस्वी में कोलंबस वहामा द्वीप पर पहुंचा, और उसी माह वह क्यूबा एवं हाइफी द्वीपों में भी पहुंच गया। तो 1498 ईस्वी में टिनीडाट कोलो योम अनियनिको के नदी जो है इनके मुहासे पर कोलंबस पहुंचा। 1502 ईस्वी में वह होंडुरास तक पहुंचा और अज्ञान महाद्वीप में पहुंच करके ये अज्ञान महाद्वीप में पहुंचने का ज्ञान प्राप्त किया। 1497 ईस्वी में इटालियन जियापानी कैलोट में अंग्रेजों के संरक्षण में यात्रा इन्होंने शुरू की। तो इसके बाद न्यूफाउंडलैंड और लेबरडोर तक पहुंचकर उत्तरी अमेरिका का इन्होंने पता लगाया। 1498 में सेवाखियन उत्तरी वेरोलिना तक पहुंच गए और 1499 ईस्वी में अमेरिगो देसपुई ने दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील तट के सहारे यात्रा की, और बाद में इसी के नाम पर अमेरिका का नामकरण हुआ। 1500 ईस्वी में काबराल का जहाज ग्राजीट तट तक पहुंचा और वहां एक स्थान का नाम तासातुक रखा। 1520 ईस्वी में मैरेलन ने दक्षिणी अमेरिका के अंतिम छोर का पता लगाया और 1497 ईस्वी में वास्को डिगामा ने टाल पहुंचा और पूर्व तट पर स्थित मोजाम्बिक तट है वो उसको स्थापना की। 1498 में वह कालीकट पहुंचने में सफल हुआ और इस तरह उसने भारत की खोज की कालीकट केरला में। 1521 ईस्वी में मैगेलेन की सहायता कानो वापस अपने देश पहुंचा और न्यूरनबर्ग के माल्ट्री वंगे ने प्रथम वार ग्लोब के रूप में पृथ्वी को परिभाषित किया, और 1507 ईस्वी में पहला मानचित्र बनाया गया जिसमें अमेरिका प्रदर्शित हुआ। इससे पहले के जो मानचित्र थे उसमें अमेरिका इंडिया ऐसे देश नहीं थे, क्योंकि जहाँ तक लोगों की समझ थी वहाँ तक उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था। इस मानचित्र के निर्माता मार्टिन वाल्डजी मूलन थे। 1569 ईस्वी में मर्केटर ने विश्व का मानचित्र बनाया जो शुद्ध दिशा के आधार पर बनाया गया, और 1530 ईस्वी में भी एक हृदय आकार का मानचित्र बनाया गया था। अब इन्होंने जो एक एक जो लोग थे इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपना अपना युग रखा। तो पहला जो था इन जो थे उनका नाम था पीटर एपियन। इनका जन्म जर्मनी के सैक्सली नामक स्थान पर हुआ था। यह नक्षत्र और मानचित्र के विद्वान थे। इन्होंने विश्व मानचित्र और पृथ्वी के ग्लोब की रचना में इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? नंबर एक पर हैं आपकी एस्ट्रोनॉमिकन कैराकुरम में खगोलीय आंकड़ों का संग्रह किया है, और कॉस्मोग्राफिस लीवर इस पुस्तक को की रचना इन्होंने 1524 ईस्वी में इनके द्वारा ही की गई। इसमें भूगोल के प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले तथ्यों का विश्लेषण मिलता है। एपियन ने भी टालमी की भांति टोपोग्राफी एंड चोरलोलॉजी में विभेद बताए और टोपियोग्राफी में एक एक स्थल का विवरण किया, जबकि कोरोला विभिन्न स्थानों पर पारस्परिक संबंध का खान रखा। यूनानी मान्यताओं के अनुसार इन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना, और सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, इसलिए दिन और रात और मौसम जो बदलते रहते हैं इसी के कारण होता रहता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर। तो इसके आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। विश्व में इन्होंने 5 जलवायु गठबंधों में विभाजित किया है पूरे विश्व को, किंतु यूनानियों की मान्यता है कि उष्णकटिबंधीय में मानव निवास असंभव ही नहीं, इसको ही उन्होंने सही नहीं माना। तो इस तरह से इन्होंने अपनी जो इनके सिद्धांत था उसको इन्होंने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट विद्वान की तरफ, जिनका नाम है सोबिसेन मयूस्टर।
16वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता ये गुजरे हैं। इन्होंने हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया और खगोल शास्त्र के अध्ययन में इनकी बड़ी गहरी रुचि थी। लैटिन भाषा में लिखी हुई अनेक भौगोलिक पुस्तकों को इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया और खगोल शास्त्र के अतिरिक्त इनका मानचित्र में भी बड़ा भारी योगदान रहा। 1544 ईस्वी में इन्होंने कॉस्मोग्राफिक यूनिवर्सलीज यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान नामक पुस्तक की प्रतिपादन किया, जो रोमन भूगोलवेत्ताओं स्ट्राबो की पद्धति पर लिखी गई थी, जिससे कि वह जर्मन के स्ट्राबो कहलाए। इस पुस्तक में कुल 6 खंड हैं। प्रथम खंड में ब्रह्मांड का सामान्य परिचय, जबकि अन्य 5 खंडों में पृथ्वी के मुख्य स्थल खंडों का विवरण है, जिसमें पश्चिम यूरोप एवं जर्मनी पर विशेष सामग्री उपलब्ध है। इन्होंने यूरोप, एशिया और अफ्रीका का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत किया। डान नदी द्वारा यूरोप को एशिया से अलग बताया और एशिया एवं अफ्रीका के बीच नदी को स्थित बताया। न्यूस्टर ने टालेमी के ऊपर एक पुस्तक 1540 ईस्वी में प्रतिपादित किया और इसके बाद में इन्होंने 4 संस्करण और निकाले। तीसरे विद्वान की बात करते हैं तो आर्टोसियस, इन्होंने 1562 में भौगोलिक ज्ञानकोश में विभिन्न यात्राओं का वर्णन प्रस्तुत किया। इनके द्वारा फिलिप्स क्लूबेरियस 1622 ईस्वी में इन्होंने 1616 ईस्वी में जर्मनी का ऐतिहासिक भूगोल नामक एक पुस्तक प्रकाशित किया, जिसमें पृथ्वी से संबंधित अनेक जानकारियां उपलब्ध थी। 1624 ईस्वी में इटली का ऐतिहासिक भूगोल प्रकाशित किया। इसी वर्ष विश्व भूगोल की प्रस्तावना नामक पुस्तक का भी प्रकाशित हुई, जो लैटिन भाषा में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद लंदन के प्रोफेसर ने 1632 ईस्वी में इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी नामक एक पुस्तक के रूप में 6 खंडों में लिखा इसको, जिसका फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद 1939 ईस्वी में एवं 1978 ईस्वी में किया गया। इस पुस्तक में ब्रह्मांड का सामान्य परिचय प्रस्तुत है, जो टालेमी के विचारों के अनुरूप है। इसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इन्हें कॉपरनिकस के कार्यों की जानकारी नहीं थी। इस पुस्तक में यूरोप, महाद्वीप एवं 5 खंडों में विश्व को अन्य भागों की नवीनतम जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके बाद जो विद्वान आते हैं जिनका समय बड़ा ही महत्वपूर्ण गुजरा, वो थे कॉपरनिकस। इनका जन्म पोलैंड में हुआ, किंतु इनकी शिक्षा और वैज्ञानिक जीवन इटली में बीता। वह अपने समय का माना हुआ खगोल शास्त्री और गणितज्ञ था। वह इटली के कैथेड्रल का उच्च धर्माधिकारी था, फिर भी उसने चर्च के दकियानुसी विचारों का कभी भी समर्थन नहीं किया। और उन्होंने किस तरह के विचारों का समर्थन किया, इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कैथेड्रल में रहते हुए उन्होंने 1497 ईस्वी से 1523 ईस्वी के मध्य महत्वपूर्ण आकाशीय वेद के लिए इन्होंने इटली में प्रचलित कैलेंडर को सुधारा। अपने प्रेक्षण के आधार पर उसने 1543 ईस्वी में नक्षत्रों की स्वाधुरी पर घूर्णन नामक एक 6 खंडों वाला ग्रंथ लिखा, जिसमें सूर्य केंद्रस्थ है, यानी कि सूर्य को इन्होंने सेंटर माना, जैसे कि आज के हमारे विज्ञान में है। जो इस समय के टॉपिक है, इस समय का लेटेस्ट है, वो है कि सूर्य सभी सौरमंडल का मुखिया है और सूर्य के चारों तरफ ही सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, जबकि पुराने समय में यह था कि पृथ्वी केंद्र है और पृथ्वी के चारों तरफ सारे ग्रह और सूर्य चक्कर लगाते हैं। तो जो कॉपरनिकस ने यह मान्यता प्रदान किया, यद्यपि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ही यूनानी विद्वान चार्सल ने सूर्य को ही केंद्र से माना था, लेकिन बाद में सभी विद्वानों ने पृथ्वी को केंद्र मान लिया और सिद्धांत को मान्यता दी गई। चूंकि उक्त पुस्तकों में कही गई बातें चर्च तथा बाइबिल की परंपरा एवं दर्शन के विरुद्ध थी, अतः उसके मित्रों ने पृथ्वी को भी अन्य ग्रहों की भांति एक ग्रह माना, जिसके अनुसार सूर्य को भी ही ग्रहमंडल का केंद्र मानकर ग्रहों की गति की गणना की गई और उसके मार्गों को समझा गया। उसने पृथ्वी सहित सभी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए बताया। धर्माधिकारियों के अनुसार उसका उक्त ग्रंथ चौंकाने वाला था, परंतु बाद में गैलीलियो और केपलर जोन्स आदि के कार्यों एवं प्रेक्षणों से उसकी बात की पुष्टि हो सकी और उसका बात सही ठहराया गया। 5वें विद्वान है गैलीलियो। इनका जन्म इटली में पीसा नगर में हुआ था। यह एक संपन्न परिवार के बहु प्रतिभाशाली विद्वान थे। उसने नवीन उपकरणों का आविष्कार किया। उसने पहली बार भौतिकी में उत्प्लावन तुला की खोज की। दीवार घड़ी का नमूना उसने चर्च में जलते हुए देखकर बताया। तापमान बढ़ने पर तापमापी का आविष्कार किया। गैलीलियो की सबसे महत्वपूर्ण देन उसके द्वारा आविष्कृत दूरबीन है। इसको उसने बार बार सुधारा और इसकी सहायता से उसने चंद्रमा को धरातल को विषम बताया।
बृहस्पति एवं शनि के उपग्रह होने की बात कही तथा सूर्य को कलंकों का वर्णन किया। उसके अंत को धर्माधिकारियों ने भूत का यंत्र कहा। एवं इसको देखने से इनकार कर दिया। जो धर्म के ठेकेदार थे उन्होंने इसको देखने से इनकार कर दिया कि ये अधर्म फैला रहा है। 1610 ईस्वी में नक्षत्र ज्ञान एवं 1632 ईस्वी में विश्व पद्धति की विवरणी नामक पुस्तक प्रकाशित किया, जो यूरोप में 1700 ईस्वी में प्रमाणित पुस्तक मानी जाती रही। 1623 ईस्वी में गैलीलियो ने कापरनिकस द्वारा प्रस्तुत केंद्रस्थ सूर्य सिद्धांत को प्रमाणित कर दिया। उसने प्रथम बार ब्रह्मांड के गणितीय क्रम की संकल्पना प्रस्तुत की तथा ब्रह्मांड को गणितीय सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर विभेद्य बतलाया। छठे और अंतिम विद्वान है केपलर जॉन्स। केपलर जॉन्स एक जर्मनी के महत्वपूर्ण बड़े ही प्रसिद्ध नक्षत्र शास्त्री थे। उन्होंने कापरनिकस के कार्यों को आगे बढ़ाया। उसने ब्रह्मांड और ग्रह के संबंधों के बारे में एक पुस्तक लिखी। पहली बार बतलाया कि सूर्य भी अपनी किली पर घूमता है, जबकि इससे पहले के जो लोग थे इन्होंने कहा था कि सूर्य स्थिर है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, लेकिन इन्होंने पहली बार बताया कि सूर्य भी अपनी अक्ष पर अपने किली पर घूमता है तथा विभिन्न ग्रह केंद्रस्थ सूर्य की परिक्रमा वृत्ताकार मार्ग में नहीं बल्कि अंडाकार मार्ग में करते हैं। इस प्रकार उसने टालेमी द्वारा प्रतिपादित वृत्तीय घूर्णन मार्ग की कल्पना को अस्वीकार करते हुए एक नई पद्धति का शुरुआत किया, जिसका वो था कि पृथ्वी या और अन्य ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो दीर्घ वृत्ताकार यानी कि अंडाकार मार्ग में करते हैं। ये इनकी प्रस्तावना रही। तो ये था दोस्तों इन योगदान इन भूगोलवेत्ताओं का, जो कि यूरोप के पुनर्जागरण में बड़ा ही इनका योगदान रहा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसकी हम सेकंड वीडियो, जो इसमें सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है नहीं, इसलिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आपके सामने डिस्कस किया। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।